जल जीवन मिशन से हर घर में नल से पहुंचेगा स्वच्छ जल, जिसके लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। वहीं भविष्य में जमीनी स्तर पर दिखेगा इसका असर। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग दुर्ग के अंतर्गत में जल जीवन मिशन योजना के तहत क्रियान्वयन सहायता एजेंसी एवं उनके कार्यकर्ताओं का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिले में कार्य करने वाले NGO को यूनिसेफ और समर्थन के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसी कड़ी में दुर्ग जिले में 7 क्रियान्वयन सहायता एजेंसियों की नियुक्ति की गई है, जिनका उद्देश्य जल जीवन मिशन के हितग्राहियों को इस योजना से जोड़कर उन्हें भविष्य में जल के संवर्धन और संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित प्रशिक्षकों ने इस दौरान अपने अनुभव बताते हुए कहा कि इसकी प्रशिक्षण उनके लिए बेहद लाभदायक साबित हुआ है, जिसका असर भविष्य में जमीनी स्तर पर दिखाई देगा। भविष्य में वे बेहतर कार्य करते हुए ग्रामीणों को इस मिशन से जोड़कर जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाएंगे और जिले में जल की कमी नहीं होने देंगे। प्रशिक्षण में आए सदस्यों ने इस मिशन को समय से पूर्व करने के लिए प्रतिबद्ध हुए, साथ ही जल जीवन मिशन में दुर्ग जिले को प्रथम स्थान पर बनाए रखने का हर संभव प्रयास करने की बातें कहीं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता राजेश गुप्ता और कार्यपालन अभियंता समीर शर्मा, जल जीवन मिशन राज्य के नोडल अधिकारी कैलाश मढ़रिया समेत जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के सदस्य उपस्थित थे। मिशन की ये है कि जैसे हर घर में गैस कनेक्शन दे रहे हैं, हर घर में बिजली हो रही, तो हर घर में लोगों को नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल पर्याप्त मात्रा में मिलती रही है सरकार के उद्देश्य है, क्योंकि हमारे ग्रामीण महिलाएं दूर से पानी लेने जाती है, उसमें उनका श्रम का वेस्टेज होता है, उनको सुविधाएँ मिले हमारे ग्रामीण महिलाओं को, ये उद्देश्य शासन का। उनका यह है कि गाँव वालों को तैयार करने के लिए कि बोले भाई ये गांव में जल की महत्ता समझे, जल का अपव्यय ना करें, बरसात के पानी को जमीन के अंदर डालें, पेयजल को दूषित होने से बचाएं, पानी की महत्ता समझे, योजना को अपना समझे, योजना को चलाएं। ये ना हो कि बाद में योजनाएं पता चल रहा है कि गांव वाले का ध्यान नहीं दे तो योजना खराब ना हो जाए, टेम्परिंग ना हो, तो ये उद्देश्य कि आत्मसात करें, योजना को चलाएँ वो और उसको अपना माने, पेयजल के अपव्यय पर रोके, ये उद्देश्य है। मिशन में सब गाँव की जनता से लेके पूरा शासन एक लय में काम कर रहा है। जब सब एक सुर में काम करते हैं, एक उसमें काम करते तभी काम अच्छा होता है, सब एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। शासकीय क्या होता है, एक व्यवहार परिवर्तन, बिहेवियरल चेंज एक बहुत टिपिकल साइंस है। व्यवहार परिवर्तन के लिए इसमें इसके एक्सपर्ट लोग ही कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, अगर आप कोई काम राइट हैंड से करते हैं, अगर आपको बोले कि उसको लेफ्ट हैंड से करना है तो एकदम से आदमी तैयार नहीं होता है ना, तो उस तो आदमी के व्यवहार को परिवर्तन करने के लिए इसके एक्सपर्ट लोगों की जरूरत होती है, जो ग्रास रूट लेवल पे जाके वहीं पे रह के उनके बीच आप क्या होता है ना, शासकीय उसमें कनेक्ट करना, जनता से जाके कनेक्ट होना कि आपको लगे कि नहीं ये ठीक है, आप वो जो बोल रहे हैं मेरे करना है, उस लेवल तक जाने के लिए NGO की जरूरत पड़ती है। हम लोग जो हर ग्राम पंचायत के हर घर में जो पानी उपलब्ध करा रहे हैं, नल जल की व्यवस्था जो कर रहे हैं, इसमें क्योंकि सीमित संख्या में स्टाफ है और इसके अलावा केवल इम्प्लीमेंटेशन इम्पोर्टेंट नहीं, व्यवहार परिवर्तन भी इम्पोर्टेंट है, तो इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी का चयन जो गाइडलाइन है उसके अनुसार किया गया है। इस इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको आज ओरिएंटेशन पूरे प्रोग्राम के बारे में और इम्प्लीमेंटेशन के बारे में दिया गया है। इस पूरे प्रक्रिया किस प्रकार से होगी और उसमें इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी से क्या अपेक्षित है और जल जीवन मिशन को हम लोगों को क्या समय सीमा है, हमें कब तक कंप्लीट करना है, इसमें क्या डिफिकल्टीज आ सकती है और उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इसका एक ओरिएंटेशन पूरा प्रोग्राम आज हुआ है। ऐसे मुख्य रूप से पूरे इम्प्लीमेंटेशन जो प्रोजेक्ट है उसके इम्प्लीमेंटेशन में सपोर्ट करेंगे और इसके अलावा जो व्यवहार परिवर्तन है उसके लिए मदद करेंगे। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।